नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनालोड पे और आज एक फिर किसान के परिवार के एक बेटे का वीजा को लेकर चर्चा करेंगे। आंसर क्या कुछ करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है, मैं सिरसा से हूं और मेरा आनंद जी ने सारी गाइडेंस और उसका सारा प्रोसेस करा था और बहुत प्रतिनिधित्व की, इससे बढ़िया हुआ। कितने रुपए में आपका वीजा लग गया, क्या कुछ फीस आपको पे करनी पड़ेगी वहाँ? इसमें 3 फीस थी, सर्विस फीस, एम्बेसी फीस, जो कुल मिला के 70-75 हज़ार थी और ये था सारा पहला प्रोसेस। उसके बाद अब मैं आ गया, स्टैम्प होके आ गया, इसके बाद मैं कॉलेज की फीस भरूंगा, ये सारा प्रोसेस था इसका। तो लोहान साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, लगातार किसान के परिवार वीजा लगवा रहे हैं? देखो मैं नहीं लगवा रहा जी, बेसिकली बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक लीगल प्रोसेस हम कर रहे हैं। हाँ, कुछ समझाने का तरीका हो सकता है कि हमारा और भाइयों से अलग हो, जिसकी वजह से इन बच्चों के वीजा लग रही है। तो ये मेरे हिसाब से कन्फर्म है ये बात कि जो गाइडेंस है, जो इंटरव्यू की तैयारी है, वो शायद और लोगों से हम बेहतर करवा रहे हैं। ये सही है मेरे हिसाब से, है ना? क्योंकि जो टीचर हम आप टीचर एक बाहर के टीचर होने का ये फायदा है, एक हम उनका एक्सेंट जो वो बोलते हैं, क्योंकि एक हम जैसे यहाँ के इंडियन के तो हम नेटिव नहीं बन सकते, तो हम उनकी देखते हैं भी क्या एक्सेंट से वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एक जो बेहतर एक गाइडेंस है जो सर से, जो मैडम वहाँ पे हैं दे रहे हैं, वो एक तरीका लगा उनका करवाने का, जिससे हम अब मैं ले आया पासपोर्ट स्टैम्प हो गया। फिर जवान साहब हर बार ये सवाल फिर भी रहेगा कि इतने कम खर्चे के अंदर बेटा अमेरिका भी जा रहा है, पहली फीस भी अदा हो जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे पॉसिबल सारी चीज़ें हो पाती हैं? नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल इसीलिए है कि हमने मोटा मार्जिन नहीं रखा, सबके एक जैसी है प्रक्रिया हमारे पास है। वो भी जो दूसरे भाई है ना जिनका लग रहा है जो 30-35 लाख रुपए ले रहे, वो बीच में मोटा मार्जिन उनका, बाकी तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हाँ, कई यूनिवर्सिटी है इसी दिन में 30-35 लाख रुपए साल का खर्चा है, लेकिन इतना तो फिर भी नहीं है, वो एक सेमेस्टर की भर के काम चल सकता है इनका। हमारे बच्चा अभी एक सेमेस्टर की फीस भरेगा, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं ना, हमारा बिल्कुल नियत का काम कर रहे हैं, हमने अपनी जेब नहीं भरनी, इसीलिए हम कम हैं। नहीं तो मेरे को भी बहुत लोगों ने यहाँ कहा था कि भाई साहब रेट बढ़ा लो, बात नहीं बन रही। इवन लोगों ने भी मुझे कहा कि जच नहीं रही, तो बस मैं अपनी जिद पे रहा कि नहीं, मेरे को इतने में ही करना है और मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। और इन पैसों में ज्यादा अगर मेरे पास बच भी गा किसी कारण, जैसे बल्क में लोग आ गए तो नेचुरल है पैसा बचे भी गा, ऐसा नहीं है। जब हम थोड़ी बहुत फीस ले रहे हैं, हमारी उसी फीस में से हम अमरीका में कोई बच्चा बीमार हो गया उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, पहले से ही कर रहा हूँ 10-15 साल से, अब और भी करना शुरू कर देंगे। अगर भाई कोई बच्चा है तो थोड़ी सी अगर इनकम होगी तो और कर देंगे। और इंडिया में भी करीब करीब 300 परिवारों के बच्चों की हमने जिंदगी बचा चुके हैं। तो हमने जो ये बीड़ा उठा रखा है ना किसान और मजदूर परिवार का, या छोटा व्यापारी है वो कामयाब हो, उसका मेन मकसद सिर्फ एक ही है कि वो उसका प्लॉट ना बिके, उसकी जमीन ना बिके। और ये चीजें अगर नहीं होंगी और गलत तरीके से जाए ना, इतने पैसे दे के बच्चे पे माँ बाप पे एक प्रेशर रहता है, और वो बहुत लोग मैंने देखे वहां जाके असाइलम लगाते हुए। और ये दूसरे भाई जो 35 लाख ले रहे ना, ये लेने के बाद वहां बच्चा ये असाइलम लगा दिया या और कोई परेशानी आ गई, आती है उन लोगों को, पता है मुझे जी। तो मैं तो सभी भाइयों से एक ही बात कहूंगा कि भाई इतने पैसे में जब काम चला तो सबका काम चलाओ। बाकी रही वीजा लगने की बात, बिल्कुल सही बात है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वीजा हमारे हैं, सबसे ज्यादा एडमिशन हमारे हैं, सबसे कम समय में है और सबसे कम पैसे में है। तो ये सारी चीजें कम 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 है। और जो हमें कह रहे थे कि इतने पैसे में 6-6.5 लाख रुपए में नहीं होता, ये होने लग रहा जी। आ जाओ हमारे घर पूछो, ये बेटा इनसे भी पूछ लेना, एक नथोर का बेटा अभी गया है, वो कल ही पहुंचा, कब मेरे भाई के बच्चों ने उनको रिसीव किया है, आपने मेरी फेसबुक पे देखा होगा, दिल्ली के बच्चे जान लग रहे हैं। आज भी 3-4 बच्चों ने जहाज पकड़ा है, दिल्ली के जान लग रहे थे और जाएंगे दिल्ली के। तो कहने का मतलब ये कि नियत से लग रहे हैं इन बच्चों को, गाइडेंस जो दे रहे हैं वो प्रॉपर गाइडेंस है, उसी की वजह से ये चीजें हैं। अगर गाइडेंस नहीं करते तो शायद ये रिजल्ट ना आते। लगातार परिवार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा परिवार, क्यों नहीं बढ़ेगा जी। हम तो चाहते, मैं ये चाहता हूँ कि दिसंबर तक करीब करीब अपना हरियाणा पंजाब के 200 परिवार कामयाब होने चाहिए, इस चीज पर लगे हुए। अच्छा दोन साहब, एक बात आइए कि फॉरन जाने के बाद अमेरिका जाने कौन से बच्चे कामयाब हो पाते हैं, जो पहले ये सोच के चलते हैं कि हमने स्टडी के साथ पैसा कमाना ये टारगेट के होते हैं, या जो वहाँ जाकर स्टडी करने के बाद कुछ सीखते हैं वो कामयाब हो पाते हैं? 2 साल की स्टडी के बाद सबको वर्क परमिट मिलना है। जो बैचलर में जाने उनकी 4 साल की स्टडी है, उनको भी फिर वर्क परमिट मिल जाना है। तो सबने ही पैसा कमाना है पटके जी। और जिनके घर में अच्छी हायर एजुकेशन होगी,
ये हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे बच्चे, आप नेचुरल है इस देश में, उस देश में जो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा होगा ना वो अपने बिजनेस अपने आप कर लेता है जी। तो इसी चीज में ये भी लगेंगे, वहां जाके पढ़ के अपना बिजनेस करेंगे, यहाँ के बिजनेस करेंगे, तो ये कामयाब होंगे जी। तो अपना यही अपना मकसद भी है कि भी हमारे बच्चे कामयाब कैसे हो। तो सबसे बड़ी बात, अगर 6-6.5 लाख के बीच में बच्चा अमेरिका जा रहा है तो फिर ये 15-20 लाख रुपए का मार्जिन अमाउंट कैसे आता है सर, क्यों इसकी डिमांडिंग होती है? मेरी नीयत खराब हो तो मैं भी ले लूंगा, ये तो इसमें क्या फर्क पड़ता है जी? मैं कह दूंगा जी, इससे अमेरिका का नाम बड़ा है, सच्चाई है बिल्कुल। मेरे को भी बहुत लोग कह रहे थे कि जी 6.5 में तो बकवास है, हो ही नहीं सकता। बहुत मेरे ही खुद नोन, मेरे ही जानकार मुझे कहते थे कि इतने पैसे में नहीं हो सकता, और ये होने लग रहा जी, बिल्कुल आपके सामने हो रहा है ये सारी चीजें। तो जब तक ये नहीं गए तब तक भी लोगों को थी दिमाग में, अब तो ये हमारे ऑफिस भर गए सारे के सारे, दिल्ली की फाइलें आ रही जी, अमरीका अमरीका अमरीका, +2 BA MA हो, आइलेट्स का रखी हो, यहाँ अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ, भारत का पहला इंस्टीट्यूट हमारे पास अमेरिका से गोरे लोग पढ़ाते हैं, और जितने भी हम ऑफिस करेंगे सब में एक सुविधा करेंगे ये। तो वहाँ का एक्सेंट है, जो भी इंग्लिश बोलने का है उसी की वजह से ये इनमें कामयाबी भी है, और फिर कुछ गाइडेंस है हमारी। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है सबसे कि इतने पैसे ना लो, और अगर आप इतने ले भी रहे हो, मतलब ये भी एक कह दो चल ले लिया आपने, किसी पे पैसे है वो दे रहा है, तो उनकी फीस जरूर बढ़ दो। एक एक सेमेस्टर की फीस अगर वो भर दे तो उन लोगों को असाइलम नहीं लगाना पड़ेगा, वो लोग इलीगल नहीं होंगे। बहुत से लोग मुझे मिले थे कि जी मैं 35 लाख दे क्या, 32 लाख दे क्या, लेकिन हमारे एजेंट ने हमारी फीस नहीं भरी, जिसकी वजह से हमें असाइलम लगाना पड़ा। हमारा एक भी बच्चा असाइलम नहीं लगाएगा जी, सबके सब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि सस्ते भाव में है सारी चीजें, और इनकी पहुंच में ही है पैसा, इस परिवार की पहुंच में ही है पैसा, तो फिर क्यों गलत काम करना पड़ेगा, अपना बड़ा पड़ेगा। अनपढ़ आदमी सिर्फ जॉब करेगा जी, मैं दो चीजें बताता हूं आपको, दो तरह के बाप होते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक बाप अपने बच्चे को सिर्फ एक ही बात कहता है कि बेटा पढ़, और पढ़ के तू इस बड़ी सी कंपनी में नौकरी कर लेना, और एक बाप है जो थोड़ा सा और बड़ी सोचता है, वो एक ही बात कहता है कि बेटा पढ़ और इस कंपनी का मालिक बनना है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सारे मालिक बने, नौकर ना बने। हाँ, कोई भी स्टूडेंट आप कम्युनिकेट करता है तो सबसे बड़ा सवाल उसका क्या होता है, जो आपको अमूमन हर स्टूडेंट के साथ से सिंदर लगता हो सर? हाँ जी, मैं दोबारा बोलो, समझा ली। जब भी कोई स्टूडेंट आपसे कम्युनिकेट करता है वीजा लगवाने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, और यही सवाल सभी स्टूडेंट का सिमिलर सा हो, क्या कुछ क्वेरी? देखो, जितने भी स्टूडेंट है सारा दिन टेलीफोन बहुत सारे लोगों का आते हैं, सबका सिमिलर ये होता है कि जी क्या, सबसे बड़ी बात है कि जी पीटी वाला भी जा सकता है, ये पीटी वाला ही है, ये पीटी करके नथोर वाला भी पीटी वाला है, पीटी वाला भी जा सकता है, आइलेट्स वाला भी जा सकता है, ड्यूलिंगो भी वाला जा सकता है, जीआरई वाले भी जा सकते हैं, इनमें से कोई एक टेस्ट है वो जा सकता है। बाकी तो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, जितने बढ़िया इंग्लिश बोलेंगे उतने ही बच्चे कामयाब होंगे, और उतने ही इनको सिखा पाएंगे, और ये सीखने में कामयाब हुए तो देखो आज आपके पास है, और ये अमरीका जाके पढ़ेंगे। जिन लोगों को 50-60 लाख रुपये दे के अमरीका नसीब नहीं है, ये हमारे बच्चे तो बहुत कम पैसे में जा रहे, तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं है इन्होंने पढ़ना। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से जो एक ही बात बोलूंगा जो मेरे मन में थी, हमने अभी तक यारी इंडिया और यारी इंटरनेशनल से 14,000 लोगों का नशा छुड़वा लिया। एक ही विनती है कि जितने भी मेरे बच्चे हैं जो हमारे ऑफिसों से जा रहे हैं या किसी और ऑफिस से भी जा रहे हैं, एक भी बच्चा वहां जाके नशा ना करे, ताकि हमारी गर्दन ना झुके कि हमने कोई गलत स्टेप उठा लिया जिससे हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ जैसे अब दिन वहां रात है, और जब हमारे यहाँ रात होगी तो वहां दिन होगा, तो हम तो ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कई बार बच्चा है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा आपने तो देखा नहीं तो कर लेना, तो भाई मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि भाई कोई नशा ना करे, और अपने घर परिवार को, अपनी जड़ों को ना भूलें, अपने माँ बाप को मत भूलना, और कामयाब होना और अपने घर परिवार को तरक्की देना, और आप जब तरक्की हो जाएगी तो कम पैसे में और लोगों की तरक्की करना, ताकि और हमारे घर भी उठे, हमारा देश तरक्की करे। हमारा देश तरक्की तभी करेगा जब हम सारे मिलकर एक दूसरे के सहयोग करेंगे, तो यही हमारी सोच है और इसी सोच में हम चले हुए हैं। तो आनंद जी, कैसे संपर्क किया जाए, कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं? 145 बाटा कॉलोनी, और कॉन्टैक्ट नंबर है 7402-1007। एक बार फिर से बता दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, तक रिमाइंडर है 7402-1007। 7402-1007 जी। तो सर कितनी खुशी है आपको?
खुशी तो बहुत है जी। देखो यूएसए है तो खुशी तो ज़्यादा है। एक सबसे बड़ा सवाल जो आम होता है भी कम पैसों में जो बाहर जाने का सपना है वो मेरा पूरा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, कनाडा भी ऑस्ट्रेलिया दोनों कई जगह ट्राई करा, एजेंट भी बहुत करे। लोगों को क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे गोल्डन टाइम्स एजुकेशन को लेकर? मैं सजेस्ट ये करूंगा, क्योंकि मेरे कई यार दोस्त भी हैं बैठे हैं जो यही कर रहे हैं भी, हाँ भी अब मेरा हो गया तो इसका साथ साथ हम लगाएं, क्योंकि एक विश्वास होता है मेरे को, विश्वास था आनंद जी पे भी, हाँ भी करेंगे तो विश्वास होगा तो बढ़िया होगा काम। लेकिन एक अपील सबसे बड़ी ये भी है कि नशे से दूर रहना, वहम बिल्कुल नहीं पालेंगे। ये देखो जी, तो बैठे बड़े बैठे जी, हमारे इंडियन कल्चर में यही है, जब तक बड़े बैठे जी हम कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकते। तो बिल्कुल परिवार में खुशी का माहौल है, अमेरिका का वीजा लगा है और ये तमाम जो प्रोसेस था हमने आपको बता दिया है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।